हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, एक बेहद ही इंपॉर्टेंट खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल को रीड किया होगा, देखा होगा, उत्तर प्रदेश सरकार की आज कैबिनेट मीटिंग थी और कैबिनेट मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं और कैबिनेट में इस पर मुहर लगे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल को रीड किया होगा, देखा होगा कि परिवहन विभाग, जी हाँ, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में जो है 500 पदों पर भर्ती करने की जिम्मेदारी UP SSC को सौंपी गई है। इसके साथ साथ 10,000 पदों पर भर्ती के लिए जो है मुहर लग चुकी है कैबिनेट के स्वास्थ्य विभाग में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जिसमें से विशेष तौर पर नर्स स्टाफ, नर्स को लेकर के भर्ती है, चाहे वो SGPGI को लेकर को या फिर प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों की संख्या जिस प्रकार से बढ़ी हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस चीज़ को लेकर के बात आगे बढ़ाई है और जो है 10,000 नए पदों पर भर्ती के लेकर के, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है कि स्वास्थ्य विभाग में भी 10,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन को लेकर के ये सूचना जारी कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें ताकि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई प्रत्येक महत्वपूर्ण खबर जो आपके लिए उपयोगी हो, जरूरी हो, सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पर राहुल वाईफाई स्टल के माध्यम से पहुंचा जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ कैबिनेट के जो डिसीजन लिए गए हैं। यहाँ से हम सभी लोग देख सकते हैं योगी कैबिनेट मीटिंग, परिवहन विभाग में 500 पदों की भर्ती। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो DL टेस्ट के लिए भी अब ऑनलाइन टेस्ट जो है कराया जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ से लखनऊ में मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट मीटिंग हुई और बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर सहमति से मुहर लगी और फैसला ये भी हुआ कि परिवहन विभाग में 500 पदों की भर्ती की जाएगी। देख सकते हैं लखनऊ में मंगलवार को लोक भवन की बैठक में, वहीं देख सकते हैं 15 अहम प्रस्तावों पर सहमति से मुहर लगी हुई है और फैसला हुआ है कि परिवहन विभाग 500 पद भर्ती की जाएगी। और इन चीज़ों पर जो मुहर लगी हुई है, देख सकते हैं कैबिनेट की, परिवहन विभाग में 500 पदों की भर्ती होगी और भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा, यानी इसका बहुत जल्द विज्ञापन UP SSC को अब जारी करना होगा। अब देखते हैं DL को लेकर की चीज़ें हैं, PGI कर्मचारियों को 7वें वेतन के अनुसार भत्ते दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। और वहीं पर आप देखते हैं जो DL लाइसेंस के लिए टेस्ट भी ऑनलाइन होगा, वहीं DL अब सिमुलेटर के जरिए टेस्ट पास करने पर ही मिलेगा। PPP मॉडल पर यह व्यवस्था अब हर जिले में लागू होगी। परिवहन में परिवर्तन, सिपाही का वेतन व आबकारी सिपाही की तरह हो गया है, वन आबकारी सिपाही की तरह हो गया है। देख सकते हैं और जो चीज़ें हैं बात किया जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, और यहाँ से भी हम सभी लोग देख सकते हैं कि राजकीय मेडिकल कॉलेज व अन्य अशासकीय मेडिकल शिक्षण संस्थानों में 10,000 पदों पर नए पदों की भर्ती किए जाने की मंजूरी मिली हुई है। यहाँ से हम सभी लोग देख सकते हैं कि योगी कैबिनेट की जो बैठक हुई है कि 10,000 पदों पर भर्ती को लेकर के स्वास्थ्य विभाग में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक बेड पर कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो ये एक महत्वपूर्ण, तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं सरकार की तरफ से जिसका भर्ती का जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन को सौंपा जाएगा। और महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुँचाई गई हैं राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से। खबर अच्छी लगी हो तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।